Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है बासित शाह और मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन इमाम. आपको आपके स्टेप्स में खुशामद कहता हूं. तो गाइस आज की ताजा तरीन अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. तो T20 मैचेस ओडीआई जो टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं इनके खिलाफ. तो जो इंग्लैंड के हैं वो पाकिस्तान ने T20 और ODI का स्क्वाड लॉन्च किया है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट और T20 का स्क्वाड लॉन्च किया है. सबसे अपडेट लेने से पहले आपको फिर से एक बात कहूंगा कि अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कुछ कमेंट देना चाहते हैं जी कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं. तो शतब जी आपकी तरफ आऊंगा. शतब अगर स्क्वाड की बात करें तो क्या जल्दी इन्होंने अनाउंस नहीं कर दिया स्क्वाड, और उसके अलावा कौन से नए प्लेयर थे, कौन से प्लेयर होने चाहिए थे और कौन से नहीं होने चाहिए थे, उसके ऊपर पहले स्क्वाड तो यहाँ तक मेरा तल्लुक है, मैंने ठीक टाइम पे किया है क्योंकि लोगों ने जून से आपको हमने कल भी अपडेट किया था कि PSL स्टार्ट हो रहा है. बिल्कुल. तो 25 जून को उन्होंने फ्लाई कर देना है. तो वहाँ जितने भी प्लेयर्स स्क्वाड लॉन्च हैं तो कट्ठे वहीं से जाएंगे. तो एक अच्छा टाइम है कि वहीं खेलेंगे PSL, उसके बाद ही इकट्ठे होकर ही UAE से डायरेक्ट जो है तो भाई UK की फ्लाइट है तो मूव कर देंगे. तो टाइम ठीक है. दूसरा बात है कि जिन प्लेयर्स को उन्होंने अनाउंस किया उनको भी टाइम मिलेगा, वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंसेज देने की कोशिश करेंगे PSL में. तो टाइम तो मेरे ख्याल ठीक ही है जो स्क्वाड का किया है. बाकी सबसे बड़ी खबर यह है कि आजम खां को जो है इन्होंने T20 में लेके आए हैं. सही. जो हम गुज़िश्ता काफ़ी अच्छे से तकरीबन 3-4 माह से बातें भी करते आ रहे थे अपने प्रोग्राम में कि आपने जो T20 को वर्ल्ड कप आ रहा है उसके मुताबिक तैयारी करनी है. इसमें फिर मिस अगेन उन्हें मोहम्मद आमिर को किया है, वहाब रियाज को मिस किया. तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद आमिर को मिस क्यों कर रहे हैं या वहाब रियाज को क्यों मिस कर रहे हैं. तो अभी आपका वर्ल्ड कप सिर पे है तो अभी अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो सूट मिलेगा. देखिए वर्ल्ड कप फिर मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप जो है कोई बैलेटरी सीरीज नहीं है कि आप कोई मैच हार भी आते हैं तो कोई फर्क पड़ जाएगा आपको. वर्ल्ड कप का जो इवेंट है वो ऑलमोस्ट 2016 में लास्ट टाइम हुआ था, तो ऑलमोस्ट 5 साल के अरसे के बाद आ रहा है. तो काफ़ी अर्से के बाद जब एक तरह टूर्नामेंट आता है तो वो हर टीम की ख्वाही होती है कि वो अपनी बेस्ट टीम को इंट्रोड्यूस करवाए. तो बॉलिंग में आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है. देखें हारिस रऊफ की जगह आप अगर मोहम्मद आमिर को ले आते हैं तो मेरा ख्याल है कि चांस लेना चाहिए. उनके पास हमने पहले भी वेस्ट इंडीज की जब वेस्ट इंडीज ने टूर अनाउंस किया था मैंने तभी बात की थी कि हमारे पास जो 15 से 16 T20 है जो होने हैं तो उसमें जब तक हम कॉम्बिनेशन ये बेहतर टाइम है कि कॉम्बिनेशन बना लेते हैं. मोहम्मद वसीम ने जो हमारे सिलेक्टर हैं बड़ा अच्छा अनाउंस किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा की उन्होंने मोहम्मद आमिर को उसको वापस लेके आना चाहिए था और जितने भी मैचेस थे अपना कॉम्बिनेशन आप बेहतर कर सकते थे. और अगर आपकी आपका शुरू से ही बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है, ये तो अभी आपका कोई बैटिंग का जो है ना कुछ एक दो साल से मैं समझता हूँ कि कोई इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर आप स्टार्ट से देखें जब से पाकिस्तान क्रिकेट जो है पाकिस्तान टीम अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है तो बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ रही है और हम ज्यादा मैचेस हमेशा बॉलिंग की वजह से जीते हैं. तो आपको अपना बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए था. मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमिर को लेकर आना चाहिए था. वेल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं T20 को ही स्क्वाड को. बाबर आजम कैप्टन है, शदाम खान नायब कप्तान है, अरशद इकबाल इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था जो जिम्बाब्वे का लास्ट T20 हुआ था अगर आपको याद है. तो इसके अलावा आजम खान जो आपने मैंने बताया है, फहीम अशरफ है, फखर जमान है, हैदर अली, हारिस रऊफ, हसन अली, अमाद वसीम को वापस लेके आए हैं ये, मोहम्मद हफीज अगेन वापस आए हैं, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सरफराज अहमद, शहीन शाफीदी, शकील खान और उस्मान कादर. बहुत तगड़ा स्क्वाड है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल एक चेंज कर लेते तो बल्कि 2 चेंज कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता. उसमें वहाब रियाज को ले आते और साथ ही आप आमिर को ले आते. तो आपका स्क्वाड मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के लिए बड़ा ही जबरदस्त होना था और आपको इंग्लैंड में खेल के मजा भी आना था. तो मेरा ख्याल है कि बाकी इन्होंने टीम ओवरऑल ठीक है. आजम खान को लेके आए हैं, अपनी बैटिंग स्टाइल को बढ़ाने की कोशिश की है कि आप जो गेम की नेचर को समझेंगे तो गेम को उसके मुताबिक ही चलेंगे. तो ओवरऑल एक अच्छा स्क्वाड है तो मजा आएगा. बाकी बात वही है जब आप स्क्वाड तो आपने अच्छा लॉन्च कर दिया, टीम आपने किस तरह खिलानी है, सिलेक्शन आपकी टीम की कौन सी होनी चाहिए, ये मेजर क्राइटेरिया हुआ. तो वो हम देखेंगे. अगर हम वही मोहम्मद बाबर आजम और रिजवान के साथ ओपन करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर मैं बार बार कह रहा हूँ ये मिलिट्री सीरीज नहीं है बल्कि सब में जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो रमीज राजा हों, वसीम अकरम हों, शुएब अख्तर हों, वो भी ये कह चुके हैं कि हमें अपनी टीम की जो सिलेक्शन है उस पर जोर डालना है और अपनी अच्छी T20 खिलानी है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग नहीं जाना. हमने फखर जमान और शजील खां को
और हैदर अली को, इसके अलावा जो मोहम्मद हफीज है जो सब इन फॉर्म प्लेयर है, उनको एक स्क्वाड लॉन्च करना है और उनको टीम को खिलाना है ताकि आपको 15 से 16 वनडे में ये टीम आपकी वर्ल्ड कप तक प्रिपेयर हो जाए। तो वो टी ट्वेंटी स्क्वाड मेरे से होके ही है, अगर दो चीजें हो जाती तो मजीद बेहतर हो जाता। ओडीए की बात कर लेते हैं, बाबर आजम कप्तान है, शिजाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक अच्छे प्लेयर है, ये थोड़े से अनलकी रहे न्यूजीलैंड के टूर पे के दो मैचों में या तीन मैचों में नहीं परफॉर्म कर पाए। फहीम अशरफ, फजल जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ को, हारिस सुहेल वापस आ रहे हैं, हसन अली हैं, मामून हक हैं, मोहम्मद सनैन है, रजवान है, इसके अलावा सुमान अली आगा साहब हैं जो नए प्लेयर हैं, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शहीन शफीदी और सुमान कदर, इनको अब मेरा ख्याल है कि ओडीए भी अच्छा स्क्वाड है, वही ये कमी मोहम्मद आमद की जो है ना इसमें भी नजर आ रही है, वो ऐड हुए थे तो मजीद बेहतर हो जाता। इसमें इनको चांस अब सऊद शकील को भी देना चाहिए, बड़े अच्छे हैं और ये डोमेस्टिक के सबसे ज्यादा हाई रन गेटर है, इनको अब चाहना चाहिए और अग्रेसिव खेलते हैं और मैंने इनकी मैचेस देखे हैं, बड़ा अच्छा इनका स्टाइल भी अच्छा है खेलने का और रन भी अच्छे बनाते हैं, तो इनको भी चांस देना चाहिए। तो शफीक को 3 ODIs में जरूर चांस देना चाहिए, आप नए स्टाफ को चांस दें, आप इसको छोड़ दें कि आप इंग्लैंड से हारते हैं या जीतते हैं, देखिए अगर आप अच्छी टीम भी खिलाएंगे तो फिर भी हार जाएगा तो क्या होगा, आप नए स्टाफ को चांस देंगे तो आपको एटलीस्ट आपका बेस्ट इंक्रीज होने में मदद मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको नए प्लेयर के जाना चाहिए ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे हो और हमें भी कुछ बेस्ट भी हमारी बढ़ जाए। बाकी टेस्ट की बात कर लेते हैं, टेस्ट में बाबर आजम है, मोहम्मद रमान है, अब्दुल शफीक है, आबिद अली हैं, अदर अली हैं, फहीम अशरफ है, फुआद आरम, हारिस रऊफ, हसन अली, इमरान भट्ट, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहिद खान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शहीन शाफीदी, शाह नवाज धानी, यासर शाह, ये सब्जेक्टिव फिटनेस है, जैसे अगर फिट रहते हैं तो वो होगा और ज़ाहिर नहीं होगा भाई, ये टोटल टेस्ट स्क्वाड है। अच्छा शाह जी, ऐसे पूछूंगा कि जो ताबिश हैं उनको एक मैच के बाद फारिग कर दिया तो क्या ये जाती है उनके साथ? नहीं, उन्होंने गलत किया, उनको मेरा ख्याल है चांस देना चाहिए था, आप एक इतने अरसे से एक बंदा मेहनत करके इतने अरसे बाद टीम में जगह बनाता है तो यू कांट जज के आप एक मैच के थ्रू उसको जज करें, तो कम से कम उसको 2 से 3 सीरीज देनी चाहिए थी और प्रॉपर देनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज के टूर पर उनको चांस मिलना चाहिए था और जो 2 टेस्ट हैं दोनों के दोनों टेस्ट मेरे ओपिनियन में उनको खिलाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है, अक्सर आप देखते हैं कि कुछ प्लेयर सेलेक्ट होते हैं वो वक्त के साथ सेलेक्ट होते हैं, टूर कर लेते हैं लेकिन वो खेलते भी नहीं और ऐसा ऐसा वो बीच में टीम से निकल भी जाते हैं, तो इनके साथ भी यही किया है, लेकिन इनको चांस देना चाहिए था मेरे ख्याल से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ताबिश खान को 3 से 4 टेस्ट सीरीज में चांस देना चाहिए था, एक इतना आपका टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक का तो आप उसके साथ एक एक सीरीज दे के मेरा ख्याल गलती करते हैं, तो उन्हें देना चाहिए था। अच्छा शाह जी, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास वापस आ रहे हैं टीम में, तो अगर नसीम शाह जितनी यंग हैं, यंग प्लेयर हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको अगर T20 या ODI में चांस देते तो क्या वो बेहतर नहीं था पाकिस्तानी टीम के लिए? नहीं, मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक ही है, T20 और जो है ODI वो था वो डिफरेंट गेम है टेस्ट की नस्बत, तो आप जब भी कोई प्लेयर डेवलप करते हैं तो थ्रू टेस्ट ही डेवलप करते हैं, तो टेस्ट जो है टेस्ट मीन स्टेमिना डिमांड करता है स्टेमिना, तो उसमें उनको सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा, 5 दिन की गेम होती है, नसीम शाह के लिए अपॉर्चुनिटी है अपनी जो स्किल्स है अपनी जो रनिंग है उसको इंक्रीज करें और उसको बेहतर तौर से यूटिलाइज करें, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छा किया है कि आप उन्हें टेस्ट खिलाएं, स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, जितना टेस्ट खेलेंगे उतनी उनकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगी और जो जो वो बेहतर होते जाएंगे तो उनको फिर ऐसा ऐसा ODI में और T20 में ट्रांसफर कर देंगे। मोहम्मद अब्बास की जहाँ तक बात करें तो वो बड़ा अच्छा टर्न है उनका, क्योंकि मोहम्मद अब्बास हमारे परफॉर्मर है, अभी UK में मैंने आपको बताया था जिस कोटी के थ्रू खेले थे उन्होंने हैट्रिक भी की थी और उनकी काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उनको आना चाहिए था, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा ऐड है। ओवरऑल एक अच्छी टीम जो है मोहम्मद वसीम ने लॉन्च की है, एक्सपेक्ट 2 से 3 चेंज हुए थे तो बेहतर होता ODI में, और मैं फिर बात में भी कह रहा हूँ T20 में मेरा कंसर्न आमर ही है और डेफिनेटली जो दूसरा कंसर्न है वो वहाब याद है, इन दो प्लेयरों को जरूर देते चांस वर्ल्ड कप में खिलाते और एक अपनी टीम को एक जो बॉलिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट हो ही जाना था, और आपको जब आपका बॉलिंग बैच अच्छा होगा तो दूसरी टीम पे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 20 ओवर की गेम है, आपने 20 ओवर में अगली टीम को आउट करना ही करना है, अगर आप वही हारिस रऊफ जितना रन दे रहे थे तो अगर आपका 2 से 3 मैचेस में ही आपने लीक हुए तो मेरा ख्याल है कि डिफिकल्ट हो जाएगा। एनी वे ओवरऑल एक अच्छा स्क्वाड है, आमर के साथ फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि निगोशिएशन करनी चाहिए, वहाँ पे आपको वापस आना चाहिए और बाकी 2-3 चीज़ें। जबरदस्त,
थैंक यू सो मच सेंसर रिव्यू के लिए, अपडेट के लिए। तो गाइस आपने जैसा देखा कि स्क्वाड लॉन्च हो गया पाकिस्तान का, तो विश करते हैं कि मोहम्मद आमिर और वहाब दोबारा वापस आए। वेल गाइस जून में 9 जून से फिर पीएसएल का मैच पहला जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो तब इंशाल्लाह उस मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।